हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। तो देखिए, प्रीवियस वीडियोस अगर आपने मेरी देखी होंगी आपको पता होगा मैंने राइट नाउ एंशियंट हिस्ट्री की हैंड रिटन नोट्स की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पढ़ा। प्री हिस्ट्री क्या होती है, प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है। प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम दो टाइप्स में या दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि स्टोन एज हो गया, मेटल एज हो गया, फर्दर उसके क्लासिफिकेशन। तो ये सब कुछ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड वाला पार्ट जो है वो कम्प्लीट है। सो आज हम सोलली डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि ये जो सभ्यता थी कब इसका टाइम पीरियड था, किस टाइम पे ये पनपी थी। तो 2500 बीसी से 1750 बीसी के बीच में। अब आप कहेंगे ये बीसी का क्या सिस्टम है। देखिए, बीसी और एडी ये जो है टाइम डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। बट बीसी से आप समझ लीजिए कि जहाँ बीसी साथ में लग गया मतलब टाइम उल्टा चलेगा ज़ीरो तक, ठीक है। बीसी एंड एडी का कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता है लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, फिर मैं इसके लिए एक अलग वीडियो लेकर आ जाऊंगी। बट फिलहाल हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, आपने जस्ट टाइम पीरियड याद रख लेना है 2500-1750 बीसी, बस ऐसे ध्यान रख लेना है। तो हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन और इसका जियोग्राफिकल एक्सटेंट ये दो चीज़ें पढ़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पेपर पेन उठा लें और अपने नोट्स बनाना अभी के अभी स्टार्ट करें, बिकॉज बिलीव मी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होंगी आपके लिए ये वीडियो। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन थोड़ा ऐसा है कि लेंथी सा टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा, तो एक वीडियो में कवर नहीं होगा। मैं शॉर्ट वीडियोज़ लेकर आऊँगी 10-12 मिनट की, 3-4 या 5-6 जितनी भी बनती हैं, फिर उस हिसाब से हम इसे कवर करेंगे, एक वीडियो में इसे कवर नहीं करेंगे। फाइन, थोड़ा इंट्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, अब हम जानते हैं थोड़ा सा आईवीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। सो इट वॉज वन ऑफ द फोर अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे पुरानी सभ्यताएं यानी कि सिविलाइजेशंस जो मानी जाती हैं वो है टोटल चार। तो उन चारों में से एक है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब बाकी की तीन कौन कौन सी हैं, मेसोपोटामिया की है, चाइना की है और इजिप्ट की सिविलाइजेशन है। अब देखिए, जैसे कि हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता इंडस नदी माने सिंधु नदी के तट पर बसी हुई थी, वैसे ही मेसोपोटामिया जो है इसकी सभ्यता टिग्रिस और यूफ्रेट्स, चाइना की सभ्यता हुआंग हो और इजिप्ट की सभ्यता नील या नाइल रिवर के तट पर बसी हुई थी, ठीक है। तो ये जो चार सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस हैं इसमें से एक है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये अलग अलग नामों से भी जानी जाती है, इसके भी काफ़ी ज़्यादा रीजन्स हैं जो हम अभी पढ़ेंगे। जैसे कि पहले आप देख रहे होंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा घाटी की सभ्यता के नाम से भी ये जानी जाती है। क्यों जानी जाती है, बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट एक्सकेवेटेड सिटी हड़प्पा, क्योंकि सबसे पहले खोजा गया शहर जो था सिंधु घाटी की सभ्यता का वो था हड़प्पा, राइट। नेक्स्ट हम इसे सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसा क्यों है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द साइट्स हैव बीन फाउंड एट हकरा घगरा रिवर, यहाँ पे के होगा क्योंकि ज़्यादातर साइट्स जो हैं वो हक्कर घाघर रिवर या इन नदियों के तट पर हैं इसलिए, ठीक है। तो चलिए, ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हो गई कि इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है या फिर इसे सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। सो आगे हम पढ़ेंगे कि देखिए, दो फेमस साइट्स हैं सिंधु घाटी की सभ्यता की, एक हड़प्पा, एक मोहनजोदारो या फिर मोहनजोदड़ो। तो इन दोनों को किस किस ने फाउंड किया, कौन कौन सी नदी के तट पर हैं और कौन कौन से साल में फाउंड की गई, ये दो तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक हल्का सा छोटा सा टेबल बना लिया। हड़प्पा जो है किसने फाउंड किया इसको, आर बी दयाराम साहनी, ये इसके फाउंडर थे, ठीक है। इन्होंने खोजा सबसे पहले हड़प्पा को, रावी नदी के तट पर बसी हुई है हड़प्पा और 1921 में ये ढूंढी गई थी, फाइंड की गई थी, डिस्कवर की गई थी। सेकेंड आता है मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो, माउंट ऑफ द डेड भी कहते हैं इसे, आर डी बनर्जी ने डिस्कवर किया था। ये इंडस यानी कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है, 1922 में किया था इसे डिस्कवर। तो पहले कौन सी हुई थी, हड़प्पा, इसलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, राइट। अब अगर हम आगे बात करें तो आगे भी कुछ लोग हैं जो इसके डिस्कवरी के लिए इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं, राइट। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि सर जॉन मार्शल कौन थे, ठीक है। सर जॉन मार्शल, ये नाम आपको याद रखना है, क्यों, बिकॉज ही प्लेड अ क्रूशियल रोल इन बोथ ऑफ दीज। इन दोनों को
इन दोनों के द्वारा इनकी जो डिस्कवरी हुई उसमें सर जॉन मार्शल का भी काफ़ी बड़ा रोल था। ठीक है, फर्स्ट यूरोपियन टू डिस्कवर एंड डॉक्यूमेंट द रूइंस ऑफ हड़प्पा, पहला ऐसा यूरोपियन जिसने ढूंढा, डिस्कवर किया और पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई, डॉक्यूमेंट किया हड़प्पा के अवशेषों को, वो कौन था? वो थे चार्ल्स मैसन। सर जॉन मार्शल, इन्होंने हेल्प की, एक अच्छा रोल प्ले किया डिस्कवरी में इन दोनों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की। और पहले यूरोपियन जिन्होंने डिस्कवर किया और डॉक्यूमेंट किया हड़प्पा रूइंस को, वो कौन थे? चार्ल्स मैसन। ये दो आपको याद रखने हैं। इट वॉज अ पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री, ये प्रोटो हिस्ट्री का जो है पार्ट था। अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि जो हमारा पास्ट होता है, जो भी हमारा इतिहास है, जो भी हमारी चीज़ें अभी तक घटित हो चुकी हैं, उन्हें हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है प्री हिस्ट्री, एक है प्रोटो हिस्ट्री और एक है सिंपल हिस्ट्री। तो यहाँ मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, बट आई बिलीव कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको प्रोटो हिस्ट्री का मतलब नहीं पता होगा। प्री हिस्ट्री जो है, देखिए मैंने कहा तीन टाइप्स हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या होता है? नो ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड्स फाउंड, कोई रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। हम कार्बन डेटिंग के थ्रू आइडिया से लगाते हैं कि कितनी पुरानी होगी चीज़। ठीक है, तो कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, किसमें? प्री हिस्ट्री में। प्रोटो हिस्ट्री जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका पार्ट है, प्रोटो हिस्ट्री का मतलब है कि रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं बट अभी तक हम उसे डिसाइफर नहीं कर चुके हैं। हमें नहीं पता कि उन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखी है उसमें क्या लिखा है, हमें नहीं पता वो कैसे लिखते थे, क्या लिखते थे। ठीक है, तो वो हो गई प्रोटो हिस्ट्री की, रिकॉर्ड्स तो अवेलेबल हैं बट हम उसे पढ़ नहीं पाए। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ऐसा ही है, रिकॉर्ड्स तो अवेलेबल हैं, बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे कुछ एनग्रेव किया हुआ है, लिखा हुआ है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए। और हिस्ट्री क्या होता है? ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड्स फाउंड, जिसके हर एक चीज़ का रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल है, वो होती है हमारी हिस्ट्री। राइट, तो प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन, आई बिलीव आप कोई डाउट नहीं रहा होगा। इट बिलोंग्स टू द ब्रॉन्ज एज, मेटल एज। अब ये मेटल एज पे बिलोंग करती है क्योंकि इस टाइम पे मेटल का यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो ब्रॉन्ज एज भी इसे कहते हैं क्योंकि ब्रॉन्ज का ज़्यादा यूज़ होता था। मैंने आपको बताया भी है कि ब्रॉन्ज क्या होता है, एन अलाय ऑफ कॉपर एंड टिन। राइट, सो मोर देन 100 साइट्स हैव बीन एक्सकेवेटेड। अभी तक की अगर बात करें तो 100 से ज़्यादा ऐसी साइट्स हैं जिनकी खोज की जा चुकी है। अब थोड़ी सी मेटल्स की बात करें तो कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, ये सब कुछ जो है वहाँ के लोग जानते थे, बट आयरन वॉज नॉट नोन, लोहे का पता नहीं था। तो ये क्वेश्चन आता भी है कि कौन से सिविलाइजेशन में आयरन का पता नहीं था, या विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट अवेयर विद द यूज़ ऑफ आयरन। तो हम फिर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अरे लोहा तो इतनी कॉमन सी चीज़ें पता होनी चाहिए, बट इनको पता नहीं था। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कम्प्लीट। राइट, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका जियोग्राफिकल एक्सटेंट की कितनी फैली हुई थी, ये हमें पढ़ना है। बट आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज़ भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे साथ कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो मैं वहाँ पर सॉल्व कर दूंगी। प्लस कोई भी इशू है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। राइट, सो आप अगर नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया आप कैसे कर सकते हैं। अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सो जियोग्राफिकल एक्सटेंट, अब हमें ये पढ़ना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, पूर्व से पश्चिम कहाँ से कहाँ, उत्तर से दक्षिण कहाँ से कहाँ, ये हमें पढ़ना है। मतलब सबसे पूर्व में कौन सी जगह थी, सबसे पश्चिम में कौन सी जगह थी, नॉर्थ में कौन सी थी, साउथ में कौन सी थी, इस तरह से पढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने थ्रू डायरेक्शन का जो सिंबल होता है उसके थ्रू बताया है। अगर आपको नहीं पता तो हम ऐसे प्लस का साइन लगाते हैं, सीधे हाथ की तरफ ईस्ट लिखते हैं, इसके वापसी में वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ लिखते हैं, उसके नीचे साउथ। ठीक है, तो अगर हम ईस्ट से चलें तो सबसे पूर्व में जो आप कह सकते हैं कि साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो थी आलमगीर, जो कि यूपी में है, वेस्टर्न यूपी में है, और कौन सी नदी के तट पर है? हिंडोन नदी के तट पर है सबसे पूर्व में। अब तो देखिए चेंज भी होता रहता है क्योंकि टाइम के साथ क्या होता है, नई नई डिस्कवरीज होती रहती हैं, तो फिर ये हो सकता है कि अगर इससे भी पूर्व में कोई साइट डिस्कवर कर ली गई है तो फिर ये मान्य नहीं होगी। बट क्या होता है ना कि स्टैटिक पार्ट है तो ये सेम ही चलता रहता है, चाहे जितना मर्जी हो जाए अपडेशन, है ना। तो पूर्व में हमने जान लिया, अब हम पश्चिम यानी कि वेस्ट में जानेंगे कि सबसे वेस्ट में कौन सी साइट है। तो वो है सुप्ता गेंडौर, बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता की साइट्स, फेमस साइट्स पढ़ रहे हैं। राइट, फिर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में आता है मांडू, मांडू जो है जम्मू में है, और कौन सी नदी के तट पर है? चेनाब नदी के तट पर है। राइट, तो जम्मू में मांडू जो है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। साउदर्न मोस्ट की बात करें तो वो दैमाबाद है महाराष्ट्र में। कौन सी नदी के तट पर है? प्रवरा नदी के तट पर है।
ठीक है, तो ये ज्योग्राफिकल एक्सटेंट हमने हल्का सा जान लिया कि ईस्ट में कौन सी साइट है, वेस्ट में कौन सी साइट है, नॉर्थ में कौन सी है, साउथ में कौन सी है। बट आगे चलने से पहले आपको इश्यूज़ बताना चाहूँगी। मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स या और मैसेजेस आते थे कि मैम आप इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाइए सो दैट हम आपको फॉलो कर सकें, कोई भी क्वेरीज हो आपसे पूछ सकें, आपके कॉन्टैक्ट में आ सकें। तो काफ़ी लंबे समय तक मैंने कोई इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं बनाया था, बट अब मैंने इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस लिंक पे क्लिक करें और अभी के अभी मुझे फॉलो करें ताकि आप मुझसे जुड़ सकें। फाइन, सो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट हमने पढ़ लिया, तो ये तो हमने मोटे तौर पे पढ़ा। अब हम थोड़ा सा अगर डीप में आके पढ़ें, सो इट कवर्ड पार्ट्स ऑफ पंजाब, सिंध, गुजरात, राजस्थान, यूपी, इन सब स्टेट्स के जो एरियाज हैं उनको कवर करता था क्या, सिंधु घाटी की सभ्यता। सो मेजर साइट्स इन पाकिस्तान, अब पाकिस्तान में कौन कौन सी मेजर साइट्स हैं सिंधु घाटी की सभ्यता की। अब देखिए अगर आप मैप देखेंगे ना, तो जो मैक्सिमम साइट्स हैं या फिर जो मोस्ट फेमस साइट्स हैं वो पाकिस्तान में चली गई हैं, क्योंकि पहले तो क्या था, पहले तो देखिए भारत पाकिस्तान सब एक ही था, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ है, वो एक अलग, पाकिस्तान एक अलग कंट्री बना है, इंडिया अलग कंट्री बना है, तो बहुत सारी साइट्स जो है वो पाकिस्तान के पास चली गई हैं। ठीक है, जो कि मोस्ट फेमस साइट्स हैं, जैसे कि हड़प्पा हो गया हमारा, मोहनजोदारो हो गया या मोहनजोदड़ो हो गया, चनहुदड़ो हो गया, ये सारी जो है इंपॉर्टेंट साइट्स थी, मेजर साइट्स थी, अब ये कहाँ हैं, पाकिस्तान में है। ठीक है, सो पाकिस्तान की साइट्स तो हमने पढ़ ली, अब हम इंडिया की साइट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इंडिया में कौन कौन सी साइट्स हैं। ठीक है, सो इंडिया में है लोथल, रंगपुर और सुरकोतरा, ये तीनों जो है कहाँ पे हैं, गुजरात में है। नेक्स्ट आता है कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान यानी इंडिया में है। बनावली हरियाणा इंडिया, आलमगीरपुर यूपी इंडिया। अब देखिए जैसे हम अभी तो हम यही पढ़ रहे हैं कि ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, बट आगे चल के हम हर एक साइड, जैसे कि लोथल है, लोथल में क्या क्या मिला, रंगपुर में क्या क्या मिला, कालीबंगन में क्या क्या मिला, आलमगीरपुर में क्या क्या मिला, इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हर एक साइड पर जो फेमस चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन आता है राइस हस्क, जो चावल होते हैं ना उसके जो बाहर का होता है वो सब मिला है, तो वो सब कहाँ मिला है, देखिए वो लोथल में मिला है। और इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि वो लोग चावल वगैरह खाते थे, उनको चावल की नॉलेज थी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसे भी हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। नेक्स्ट आता है अफ़गानिस्तान, सो आप सोच रहे होंगे अफ़गानिस्तान मतलब क्या, हम पढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन सी मेजर साइट्स हैं, फिर हमने जाना कि इंडिया में कौन कौन सी मेजर साइट्स हैं, अब हम जानेंगे कि अफ़गानिस्तान में कौन कौन सी मेजर साइट्स हैं। तो वो है मुंडेगा और शॉटुगाई, तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है, प्रोनंसिएशन आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, बट ऐसा है कि ये चीज़ समझने की सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में ही सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं फैली थी, बेशक मेनली ये इसी एरिया में फैली थी, लेकिन अफ़गानिस्तान में भी कुछ ऐसी साइट्स हैं जिनसे हमें पता लगता है कि नहीं, ये सभ्यता थोड़ी ज़्यादा फैली हुई थी। ठीक है, ये एक अर्बन इकोनॉमी थी, हमने चार्कोलिथिक एज पढ़ी थी जिसमें हमने जाना कि विलेज इकोनॉमी थी, वहाँ पे ग्रामीण स्टाइल था, गांव के हिसाब से चीज़ें होती थी, गांव था वो उस टाइम पे, जो शहर मतलब छोटी छोटी जगहें होती थी उनको गांव बोल देते थे। ठीक है, सो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में क्या है, वो एक अर्बन इकोनॉमी थी, शहरीकरण था, मॉडर्नाइजेशन था, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से मॉडर्नाइज करके रखी हुई थी। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है लार्जेस्ट हड़प्पन साइट ओवरऑल, इंडिया की बात करें या पाकिस्तान की बात करें या किसी भी कंट्री की बात करें, ओवरऑल सबसे बड़ी हड़प्पन साइट कौन सी है, वो है राखीगढ़ी, कहाँ पे है, हरियाणा में है, नंबर वन का मतलब है कि सबसे बड़ी है ये। सेकेंड नंबर जाता है मोहनजोदड़ो को, मोहनजोदड़ो अब हमने अभी पढ़ा कहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में है। ठीक है, वैसे ही थर्ड आता है हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ पे है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। तो सबसे बड़ी साइट ओवरऑल राखीगढ़ ही है, फिर मोहनजोदड़ो है, फिर हड़प्पा है। ठीक है, ओवरऑल इंडिया में बात करें तो इंडिया में राखीगढ़ी है, पंजाब नहीं बट पाकिस्तान में बात करें तो वहाँ पे मोहनजोदड़ो है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी सी कई बार बेसिक चीज़ें भी अप्लाई करनी पड़ती हैं, है ना, जिससे हमारा एग्जाम क्लियर हो जाता है। क्लियर तो क्या, बट हम अपनी मंजिल तक थोड़े नज़दीक पहुँच जाते हैं अगर एक दो क्वेश्चन हमारे बाकियों से सही हो रहे हैं, ज़्यादा सही हो रहे हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस वन मोर थिंग, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप सब नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, प्लस अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम
पे फॉलो करना है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अब आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, बिकॉज एग्ज़ाम्स जो हैं वो बार बार नहीं आते हैं। आपको पता है आजकल बेरोजगारी कितनी ज़्यादा हो गई है, तो हमें स्टडीज़ पर फोकस करने की बहुत 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 ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, कहते हैं वो कि टाइम बहुत ख़राब आ रहा है, तो मुझे लग रहा है अभी वाला टाइम बहुत ख़राब है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं जब हम अपने आसपास तो हर कोई अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, सो चलिए थोड़ी बातें हो गई ज़्यादा, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइज एंड सी यू सून।